भारतीय रेलवे में कार्यरत सत्येंद्र कुमार जी आए और वो सम्मानित करें हमारी बीपीएससी शिक्षिका निशी चतुर्वेदी जी। सबसे पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और मैं बता दूँ कि मैं सत्येंद्र कुमार भारतीय रेलवे में हूँ। और हर आदमी का बिना कोई मोटिवेटर होता है, सबसे पहले मेरा मोटिवेटर सर है और सर के नोट से ही मैं पढ़ के अभी जो भी हूँ सर के नोट से ही पढ़ के हुआ हूँ। और जब भी मैं ड्यूटी करके आता हूँ तो पढ़ने का मन नहीं करता है, तो वहाँ बैठी वो खुशबू कुमारी मुझे मोटिवेट करती कि पढ़िए, अभी आपको बीपीएससी करना है और फिर मैं पढ़ने के लिए तत्पर होता हूँ। और फिर जो कुछ भी मुझे फ्रस्ट्रेशन होता है मुझे सर मोटिवेट करते हैं और मैं फिर पढ़ता हूँ और अभी भी बीपीएससी करने के लिए थोड़ा पढ़ाई कर रहा हूँ। थैंक यू। बहुत बहुत प्रणाम आपको, क्योंकि हमको तो अपने से उम्मीद नहीं है ना था अभी तक। जब रश्मि बहुत साल बाद लगभग 10 साल बाद हमसे मिली थी तो बोली कि सब कर रहा है तुम भी करो बीपीएससी, जबरदस्त थी क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था, जॉइंट फैमिली हमारी तो मिलजुल के काम करते हैं, समय नहीं मिलता था। उसमें बेचारी सैटरडे संडे मेरे साथ ही जाती थी, हम लोग 2 घंटे का सफर 1 घंटे में करते थे ताकि जल्दी पहुंच पाए, पहुंचे भी है जगह पर लेकिन रोज नहीं कर पाते थे। ये जब कोरोना काल हुआ तो सर ऑनलाइन कर दिए, जो मेरे लिए रामबाण कर दिया, रामबाण का काम किया है क्योंकि रोज तो मुझसे क्लास हो नहीं पाता, हो भी नहीं सकता था, छोटे बच्चे हैं मेरे, आप लोग देख रहे होंगे दोनों बच्चे हैं मेरे, बहुत मोटिवेट भी करते थे माँ पढ़ो मैं एग्जाम दे के आती थी ना तो मेरा छोटा सा बाबू पूछता था कि माँ कैसा गया पेपर, मैंने बोला कि रिजल्ट आएगा ना तो ठीक है नहीं तो फिर खराब गया मेरा। तुम कभी क्यों नहीं बोलती कि अच्छे से दियो, देख के पढ़ा करो, तुमको एग्जाम देना ठीक से पढ़ के नहीं जाती हो, पूरा सवाल जवाब क्वेश्चन लेके बैठ जाता था कितने आंसर किए हो, सब मिला जुला के चल रहा था। मेरे हस्बैंड कभी किसी चीज से रोके भले बोलते नहीं है लेकिन अगर वो अपना सर सबको भरोसा नहीं था क्योंकि हमको खुद पे भी नहीं था, तो ये सर को था कि तुम्हारा होगा निशी, तुम्हारा होगा। जब इसका रिजल्ट आया तो हम थोड़ा स्लो है, मेरा फोन चलाना इतना नहीं आता है, यही देख रहे थे मेरे हस्बैंड, तो उन्होंने देखा कि नहीं तुम्हारा रिजल्ट नहीं हुआ, थर्ड नंबर पे था मेरा, उन्होंने दूसरे नंबर पे देख के बता दिया तुम्हारा नहीं हुआ। मैं जैसे ऐसे रो रही हूँ, ऐसे रोने लगी, सर को लगा मेरा नहीं हुआ, सर ने मैसेज भी किया अगली बार निशी, इस बार ही नहीं अगली बार, 10 सेकंड बाद मैडम रिजल्ट आया मेरा, मैडम सर गाड़ी चला के आते थे हाथ लाल हो जाता था, मैडम आग लगाती थी कि इसका हाथ काम करे लिखने लायक हो जाए। मिला जुला के हम लोग सब हो गए, अब आप लोग की बारी है, मेरा 5 साल टाइम लगा है इसलिए आप लोग लगाइए, समय बचेगा नहीं अभी।